फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपको एक येलो कलर का दुबट्टा बनाना सिखाऊंगी और ये जो दुबट्टा है मोस्टली ये फैंसी ड्रेसेस के साथ पहना जाता है आप चाहे तो प्लेन ड्रेस के साथ पहन लें शादियों ब्याहों पे भी पहन सकते हैं 2.5 पॉइंट मीटर्स का मैंने नेट फैब्रिक लिया है येलो कलर का और ये मैंने लेस ली है गोटा लेस uh, ये तकरीबन एट मीटर्स मैंने लिए है एज़ यू ऑल नो दैट 2.5 मीटर दुबटे के साथ अगर आप फोर साइड्स पे लेस लगाएंगे ये पाइपिंग है और पाइपिंग भी मैंने 8 मीटर्स ली है और लेस भी मैंने 8 मीटर्स ली है ये बनारसी का कपड़ा है आप आ, आ, पाइपिंग ले लें ठीक है डिफरेंट टाइप की पाइपिंग आपको मिल जाएगी ये पाइपिंग मैंने ले कर इसकी आप डोरी काट लें और उसके बाद इस तरह स्ट्रिप्स में आपने डाल लेनी है और ये कुछ सितारे हैं और ये सितारे मैंने कुछ गोल्डन लिए हैं और कुछ सिल्वर लिए हैं बहुत ही सस्ते आपको बाज़ार से मिल जाएंगे इसको लगाने का तरीका इस तरह हो सकता है कि आप इसे फैब्रिक ग्लू भी ले सकते हैं इसके साथ उससे भी ये बहुत अच्छे चिपक जाते हैं और ग्लू गन से भी चिपक जाते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसे किस तरह लगाएंगे तो चलें अब हम अपना दुपट्टा बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले तो आप नेट का दुपट्टा ले कर हम सबसे पहले उसके आसपास फोर साइड्स पर हम ये वाली लेस लगाएँगे सबसे पहले तो इसको आपने ज़रा सा फ़ोल्ड कर लेना है दुपट्टे को सीधी साइड पर ठीक है ये इसकी फ्रंट साइड बनाएँगे हम इसके ऊपर आपने रख के और इसको सीधी सीधी स्टिचिंग कर लें ठीक है मैं आपको बीच में बताऊंगी कि आपने इसे बिल्कुल एंड तक लेके फोल्ड किस तरह करना है इससे वीडियो एंड तक देखिएगा ना फ्रेंड्स अब आप जब बिल्कुल एंड में पहुंचेंगे तो आपने इस तरह पहले नीचे वाले कपड़े को आपने फ़ोल्ड करना है याद रखिए नेट को फोल्ड करेंगे तो नीट लुक आएगी फिर आपने इसे इस थोड़ा सा वी शेप में ये देखें इस तरह फ़ोल्ड करके फिर मैं इसको सीधा लेके कर आऊँगी ऐसे रख के आपने इसको स्टिच कर लेना है यहाँ से बहुत एहतियात से कीजिएगा अगर ज़रा सी भी रफ़ लुक आती है तो आपकी जो लेस है वो बहुत बुरी लगेगी तो पाइपिंग नीचे करना बहुत ज़रूरी है नीचे आपने फ़ोल्ड करना है नेट को अदरवाइज़ नेट भी अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि मैं ये चाहती हूँ दुपट्टे तो की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो दोनों साइड से नीट क्लीन लगे ये ना हो कि आपकी जो स्टिचिंग है वो साफ़ दूसरी साइड से नज़र आ रही हो आप अगर देखें तो बैक साइड से भी ये बहुत अच्छी लग रही है चारों साइडों पर मैंने लगा लिया है फ्रेंड्स एट मीटर्स आपको चाहिए थी और बहुत ही प्यारा लग रहा है मेहंदी के लिए जिस तरह ब्राइड मीट्स होती हैं तो वो इस तरह के दुबट्टे बना सकती हैं अगर आपका बहुत फैंसी जोड़ा है साथ में आप इस तरह का दुबट्टा बना लें तो बहुत ही प्यारा लगेगा ये अब फ्रेंड्स आ जाती है पाइपिंग की बारी वैसे तो हम पाइपिंग सीधे साइड से करते हैं दूसरी साइड से हम उसे स्टिच करते हैं लेकिन इसमें हम जो पाइपिंग लगाएंगे ये देखिए मैंने थोड़ी चौड़ी पाइपिंग ली थी बनारसी के कपड़े की पाइपिंग है तो इसको अब आपने लगाना किस तरह आप इसे पहले ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और लेस के साथ आपने इसको अटैच करना है थोड़ा फोल्ड करके करना है ठीक है Uh, तो सबसे पहले मैं इसको सीधा एक साइड से स्टिच करूँगी पूरा ठीक है ये भी मैंने एट मीटर्स ही ली है और आपने भी एट मीटर्स लेनी है पहले आप इसको सारा को बिल्कुल अटैच कर ले सीधे की तरफ अब फ्रेंड्स ये देखिए मैंने पूरी इसको अटैच कर ली अब आप दूसरी साइड पे आ जाएंगे पहले हमने ऊपर से इसको फ़िक्स करना है ठीक है जैसे कि हमने सीधी लाइन में इसको लेस के साथ अटैच कर दिया था अब मैं दूसरी साइड से इसको थोड़ा सा फ़ोल्ड करके और मैं इसको इस तरह से स्ट्रिच करूँगी अगर आपने फ़ोल्ड ना किया तो बहुत बुरी लुक आएगी इसलिए इसको थोड़ा सा फ़ोल्ड करके और सेम सेम मेजरमेंट के साथ आपने इसको फ़ोल्ड करना है और आप इसे दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेंगे ठीक है इसको पूरा देखिएगा कि ये किस तरह से हमने इसके साथ अटैच किया अब देखिए कितनी नीट लुक आ रही है ना फ्रेंड्स ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया मैं आप इसको दिखाती हूँ कि बैक साइड से भी ये बहुत नीट लुक देगा और फ्रंट साइड से तो दे ही रहा है क्योंकि पाइपिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि चीज़ जो है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन लुक देती है अब ये मैंने तो रेड कलर का यूज़ किया है आप अपने कपड़ों से रिलेटेड जो आ, कलर्स कम्बिनेशनस हैं वो आपकी अपनी मर्जी आप इस तरह का ग्रीन भी बना सकते हैं शॉकिंग पिंक या लो ग्रीन मोव ये कलर्स हैं जो कि मोस्टली आम लोग यूज़ करते हैं ठीक है अच्छा अब ये मेरा देखिए कितना प्यारा लग रहा है रेडी हो गया आप चाहे तो मोटी पाइपिंग भी लगा सकते हैं ठीक है डबल पाइपिंग भी लगा सकते हैं और और भी क्रिएटिव नस कर सकते हैं अगर आप चाहे तो चलें फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगी कि जो सितारे मैंने लिए थे वो मैंने किस तरह से लगाने हैं मैं तो इनको एक्जैक्टली विदाउट मेजरमेंट कर लूँगी क्योंकि मैं काफ़ी बना चुकी हूँ मुझे आइडिया हो गया कि हम कितने हिसाब से करते हैं अगर तो आपको हिसाब नहीं आता तो फाइव फाइव इंचज़ का डिस्टेंस रख के आप लगा लें अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहते तो आप तकरीबन आठ इंचेस का डिस्टेंस रख के और मैं इसको ग्लू गन से लगा रही हूँ आप इसको फैब्रिक ग्लू से भी लगा सकते हैं फैब्रिक ग्लू एक तरह की एक ट्यूब मिलती है बहुत ईज़िली मार्केट से मिल जाएगी जो कपड़े के ऊपर चीज़ें लगाने के लिए ही इस्तेमाल होती है वो भी बहुत सूटेबल होती है और ग्लू गन भी बहुत सूटेबल होती है तो इस तरह से मैंने फिर इनको दो के बीच में मैंने अगली लाइन लगानी है और फिर उससे जो अगली लाइन होगी वो हम चेंज लगाएंगे तो इस तरह से आपने सारे जो है सिल्वर गोल्डन सिल्वर गोल्डन सिल्वर गोल्डन इस तरह करके आपने इसको अटैच करना है ठीक है और जब आप अपना दुपट्टा तैयार कर लिया करें तो एक टिप ये है कि आप उसे थोड़ी देर के लिए रख दिया करें ठीक है थोड़ी देर रखने के बाद आप उसको फिर बाद में इस्त्री वगैरह करके यूटिलाइज़ कर सकते हैं ना फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत से दुबट्टा रेडी हो चुका है और बहुत ही प्यारा लग रहा है आप चाहे तो आप इसे ग्रीन पे भी बना सकते हैं आपकी अपनी मर्जी है कलर कॉम्बीशन आप अपने ख़ुद सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन में मसला होता है तो सिंपल ये है कि अगर आप येलो दुबट्टा बना रहे हैं तो येलो के ऊपर आप कलर्स को रखें और देखें जो साइडों पर जो चीज़ें हम लगाएंगे वो थोड़ी प्रोमिनेंट होनी चाहिए जो एक बहुत ही ख़ूबसूरत सी आपको लुक दें तो फिर आप वो कलर चूज़ कर सकते हैं देखें साइडों से भी मैं आपको दिखा देती हूँ नीट लुक है और बहुत ही प्यारी लुक है होपफुली कि आपको और दुपट्टों की तरह ये दुपट्टा डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगा होगा ये बहुत इजी है और सिंपल है और होपफुली कि आपको ये भी पसंद आया होगा अगर तो आपको अच्छे लगते हैं हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और Uh, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर किया करें इस तरह हमारी वीडियोस जो है वो और लोगों तक भी पहुंच सकें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स होपफुली नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे और बहुत अच्छी वीडियोज़ आ रही हैं इसलिए हमारे साथ रहेगी और अगर आप मेरी सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू अल्लाह